लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज। इंग्लिश में एक वर्ड होता है डिफेसिंग। डिफेसिंग का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के चेहरे को खराब करना। आप हमेशा सुनते हुए किसी लड़की के चेहरे पर तेजाब डाल करके उसके चेहरे को खराब कर दिया गया है। लेकिन मैं आज ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि मेट्रो। मेरे पीछे आप देख रहे होगा मेट्रो का पिलर है। पिलर पे पोस्टर लगा, जब भी इलेक्शन आता है या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पोस्टर चिपका करके या बधाई का पोस्टर चिपका करके इस पिलर को गंदा के साथ साथ इस पिलर पोस्टर लगने के वजह से ये ड्राई पेपर है, ड्राई पेपर से नुकसानदेह भी होता है और ये आपके पॉल्यूशन पर इफेक्ट होता है। क्योंकि किसी भी शहर की पहचान जो है ना, वहाँ की सुंदरता और स्वच्छता पर निर्भर करता है, आपकी शहर की पहचान होती है। ये ड्राई पेपर कितना नुकसानदेह है पॉल्यूशन के मामले में, हमारे साथ जुड़ रहे हैं आस्था इन्वायरो प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर इंजीनियर मैकेनिकल इंजीनियर रामकृष्ण रजक, सुनिए उनसे ये बात। एक्चुअली जो पॉल्यूशन हमारे इन्वायरमेंट में होता है उसका सिर्फ इंडस्ट्रियल चिमनी के धुआं के थ्रू या प्लास्टिक के थ्रू या व्हीकल्स का जो धुआं निकलता है उसके थ्रू, सिर्फ इसी का सहयोग नहीं है इसमें। इसमें जो हम लोग पेपर का जो हम लोग पोस्टर चिपकाते हैं, कोई भी पार्टीज हो, कोई भी एडवर्टीजमेंट के जो पेपर्स होते हैं वो भी चिपका के रखते हैं, तो उससे भी एक टॉक्सिक इंक, डाइस और पॉलीमर्स का कुछ पार्टिकल्स निकलता है, वो इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है। दूसरी बात, अगर ये पेपर बारिश के कारण भीग गया तो वो टॉक्सिक इंक और डाइस और पॉलीमर्स और जहरीला बनता है। अगर वो पानी के अंदर चला गया, वाटर लेवल के अंदर, तो उसको भी, पानी को भी जहरीला बना सकता है। तो पेपर गवर्नमेंट को या संस्था को ऐसा चाहिए कि पोस्टर्स ज़्यादा दिन तक छोड़ना नहीं चाहिए, उसको स्क्रैप में निकाल करके या रिसाइकिल कर देना चाहिए। असेंबली में एक लॉ पास किया गया 31 मार्च 2008 को डिफेसिंग के लेकर ये लॉ पास किया गया, कोई भी व्यक्ति और गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को डिफेस करता है तो उसे 50,000 फाइन देना पड़ेगा और 1 साल की सज़ा होगा। लेकिन ये कहाँ तक सज़ा होती है ये पता नहीं। DMRC भी क्लेम करती है, वो क्लेम कर देती है। पुलिस कहाँ तक कार्रवाई करती है ये भी पता नहीं कि कार्रवाई करती है या नहीं करती है। बात कर रहे हैं 2014 की, 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री बने थे तो उनका पहला मुहिम था, ये सभी मुहिम में उनका एक मुहिम ये भी था कि स्वच्छ भारत के लिए उन्होंने बहुत बड़ा अभियान चलाया था। लेकिन स्वच्छ भारत का मैं प्रभात उदाहरण बताता हूँ कि हमारा देश स्वच्छ भारत कितना है, कितना साफ सुथरा है, कितना पोल्यूटेड के मामले में कितना क्या है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि क्लीन सिटी जो है पूरे वर्ल्ड में टॉप टेन क्लीन सिटी में हमारे देश का कोई भी शहर नहीं है। जो टॉप टेन में टॉप पे है वो डेनमार्क हैं, स्विट्जरलैंड हैं, यूके हैं, ऐसे कई सारे कंट्री हैं। पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन के मामले में पूरा टॉप 50 में हमारे कंट्री का जो है ना 35 शहर पॉल्यूटेड है, यानी कि 50 में 35 शहर हमारे देश से है। दूसरा नंबर है कि जो सबसे टॉप पर जो पॉल्यूटेड है वो चाइना का होटन शहर है, और होटन के बाद 2 से लेकर 13 तक जो हमारे कंट्री के जो शहर है वो हमारे शहर से, यानी इंडिया का शहर है वो 2 से लेकर 14 तक, बाकी जितने भी 35 है वो इंडिया से है। ये है पॉल्यूशन के मामले में। वो भी कंट्री कितना कंसर्न है पॉल्यूशन के मामले में, स्वच्छता के मामले में, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर कितना टाइट है, उसका परिणाम आपको मिलेगा। मैं बताता हूँ दूसरे कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड में 2002 में जब क्रिकेट हो रहा था तो 2002 में इंडियन क्रिकेट टीम जब न्यूजीलैंड गई तो वहाँ पर हरभजन सिंह और वीरेंद्र सहवाग के शूज में डस्ट लगा हुआ था, तो एयरपोर्ट पर ही उन्हें रोका गया और उन्हें फाइन देना पड़ा $200 फाइन देना पड़ा इंस्टेंटली। अगर वो नाकानुकी करते, क्लेम करते, हाई कोर्ट में जाते तो कोर्ट में जाने के बाद उनका फ़ाइन हुआ था 1,80,00,000, और 1,80,00,000 जब फाइन होगा तो वह देश स्वच्छ होगा ही। इसका परिणाम ये हुआ कि कोरोना काल में न्यूजीलैंड वर्ल्ड में सबसे पहला कंट्री न्यूजीलैंड हुआ जो कोरोना से सबसे पहले निजात पाया और मास्क से भी लोगों को निजात मिली। तो ये थी कोरोना से उनको स्वच्छ होने का परिणाम मिला। दिल्ली के लोगों की राय बता रहा हूँ कि दिल्ली के लोगों का क्या कहना है, ये पोस्टर को लेकर के, डिफेसिंग के लोगों के लेकर के ये लोग क्या कर रहे हैं, जो शहर को गंदा किया जाता है साफ, इस पर सरकार की करोड़ों खर्च भी होते हैं साफ सुथरा। उसके बाद जो है जो पार्टी वादा करती है कि मैं आपके शहर को साफ सुथरा रखूंगा, वही पार्टी का पोस्टर जो है ना आपको बहुत सारा दिखे, BJP आप जितनी भी पार्टी है सबका सारी पार्टियों का लगा हुआ है। क्या कहेंगे आप, पर क्या कहेंगे इस पर, अभी सही है गलत है? नहीं, गलत है। इस पर स्टेट गवर्नमेंट हो या स्टेट की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, दोनों को उस पर एक्शन लेना चाहिए।
उसके अंदर जितने भी अधिकारी आते हो, चाहे DDA हो, NDMC हो, MCD हो, जो भी हो, उस पर एक्शन लेना चाहिए। जिस अधिकारी के अंदर आते हैं, जैसे मेट्रो है, अब दिल्ली मेट्रो को भी उस पर एक्शन लेना चाहिए भाई। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसके अंदर में भी आता हो, तो उस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। आप बताइए सर, ये बहुत गलत हो रहा है, इसके अब कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। हैंड टू हैंड उसको जेल में डाला जाना चाहिए। हाँ, और सामने एकदम खुलेआम उसको सजा दो, पब्लिक के बीच में, ये गंदा किया है तो इसे साफ करवा, पोछा लगवा साले से। हाँ, जब पब्लिक कोई गलती करता है तो सरकार उसे पनिशमेंट करता है। हाँ, लेकिन जब सरकार गलती करे, पॉलिटिकल पार्टी गलती करे, खुलेआम सजा होना चाहिए। मेरा नाम भवानी शंकर है। मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, जैसे बैनर लगाते हैं या पोस्टर चिपकाते हैं, मेट्रो पिलर हो या सार्वजनिक जगह पे हो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसके लिए अगर सरकार नहीं मानती है तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, तो उनको एक्शन लेना चाहिए कि ये चीज़ें गलत हैं। जो गलत है तो गलत है, इससे हमारी दिल्ली गंदी हो रही है। और प्लस जो MCD का है, तो MCD का भी इशू है कि जगह जगह कूड़े पड़े रहते हैं, तो MCD वाले ध्यान नहीं देते हैं। जैसे नालियाँ हैं और गलियों में है, जैसे जहाँ मर्जी वहाँ कूड़ा फैला रहता है, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना। मोदी जी ने तो बता दिया कि स्वच्छता अभियान है, फॉलो तो आपको करना होगा। फॉलो किसको करना है, पब्लिक को भी सुधारना चाहिए, हम लोगों को भी काम करना चाहिए उस पर। प्लस केंद्र सरकार या राज्य सरकार, इन दोनों को भी ध्यान देना चाहिए इसकी ओर। आम पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी बात नहीं है कि अकेले सरकार करे। आज जो सरकार गलत करे तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, और पब्लिक गलत करे तो उसके लिए भी सरकार है, कानून है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। गलत तो है ही ये सब चीज़ें, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी पार्टी को। और इतना मीडिया पे देते रहते हैं, इतने सारे चैनलों पे देते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। ये लोग, इन पर पेनल्टी होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। इस पर तो पेनल्टी होनी चाहिए ना, जैसे कि पोस्टर लगा देते हैं वो, अब वहाँ पे पोस्टर लगा दिया हटाने में, फिर दूसरा पोस्टर लगा दिया उसके ऊपर, तो कितनी गंदगी होती है दीवारों पे, इधर उधर टॉयलेट में, चलने में, ये गंदगी तो और है क्या। इस पर तो पेनल्टी होनी चाहिए। हमारे, अगर हम भी ऐसा काम करते हो, हमारे ऊपर भी पेनल्टी होनी चाहिए। लोगों में जागरूकता फैलाने का काम प्रिंट मीडिया का होता है और आप लोगों का भी होता है। आप इस तरह से लोगों को और अवेयरनेस कीजिए कि इस तरह से ना कोई चिपकाए जनता को। आप इस तरह से आप लोग जागृत हो गए, आप लोग अगर जागृत हो गए तो जनता जागृत हो जाएगी, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल वाले सब नए चैनल वाले यही दिखाते रहे कि नहीं चिपकाना, उसको लोग वोट नहीं देंगे, बहुत लोग उसके उसकी प्रभाव पड़ेगा, फिर धीरे धीरे लोग चिपकाना बंद कर देंगे, सोचे बैड प्रभाव पड़ता है तो कोई चिपकाएगा नहीं। लेकिन ये आपके नहीं, पूरी की पूरी चैनल को ये सब काम करनी पड़ेगी। आप लोग जिस समय ये काम शुरू कर देंगे, ऐसे करते करते अगर पूरी मीडिया में अगर इसकी जागृति पैदा हो जाए, पूरी तरह से फैल जाए, तो अपने आप बंद हो जाएगी। इस काम को और आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। जब सब सुंदर हो जाएगा तो पूरी ब्रह्मांड नहीं अच्छा होगा, पूरी धरती स्वर्ग हो जाएगी फिर हम लोगों का, फिर भारत उसी तरह से स्वर्ग हो जाएगा। हमें तो खुशी है कि इस बात को आप करना शुरू किए हुए। इलेक्शन के टाइम अगर ये जितने पेपर चिपकाते हैं दीवारों पर, और जो दीवारें ख़राब होती हैं, उसके अलावा और भी दिक्कतें हैं, जो सफाइयाँ वगैरह सारी कुछ इसी की वजह से रुक जाती हैं, तो इनको ये है कि अपना प्रचार वैसे करना चाहिए जो साइलेंट मूड में हो, और ये पेपर वगैरह चिपकाने से जो गंदगी है वो न हो, और इलेक्शन में जितना हो उतना जो आजकल व्हाट्सएप वगैरह चला है, इससे अगर प्रचार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। जो काम खराब होता है, शहर गंदे होते हैं, वो इलेक्शन में होते हैं। सारी पॉलिटिकल पार्टियां हर जगह पोस्टर लगा देते हैं और उसी से शहर गंदा होता है। इसमें चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टी इसको पोस्टर छापने बंद करें, रैलियाँ निकालने बंद करें, और सिर्फ TV पर डिबेट करें, ताकि ये है कि लोगों का समय बचे, पैसा बचे, और इसमें यह है कि अपना काम कर सकें लोग। सारे काम बंद हो जाते हैं इलेक्शन में, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, इसलिए चाहिए यूरोप की तरह जैसे होता है कि TV डिबेट करें बस, और बाकी सब गंदगी ना फैलाएं। नेताओं के घर में घुस के पत्थर मारना चाहिए। आप जो ये अवेयरनेस वीडियो देख रहे हैं, इस अवेयरनेस वीडियो को स्पॉन्सर कर रहे हैं कैरियर पावर दानापुर प्रांत। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज़, खबर तो पक्की है।